हेलो टीचर्स, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन टेक फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल पे। आई होप यार आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो देखो यार, आज हम बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस के पीडीएफ है ना, खूब सारे क्वेश्चंस हैं आपके पीडीएफ में। अब आप व्हाइट बोर्ड पे इस तरीके से, व्हाइट बोर्ड पे जैसा दिख रहा है कि यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है और नीचे आप सॉल्व कर, क्योंकि एक एक क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन लिखोगे फिर उसको सॉल्व करोगे तो कितना ज्यादा टाइम लगता है। इससे अच्छा कि आपके व्हाइट बोर्ड पे ऊपर में आपके पीडीएफ के जो क्वेश्चन है वो वन बाई वन क्वेश्चन शो करते रहे और आप क्वेश्चन सामने वाले को क्वेश्चन दिखाओ और यहाँ पे बाकी के जो स्पेस है यहाँ पे लिख के उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। फिर क्वेश्चन चेंज करना है, जैसे मैं चेंज करके दिखा रहा हूं लाइक दिस, है ना। फिर क्वेश्चन चेंज करना है तो ये आपने स्क्रॉल किया और ये देखो अभी क्वेश्चन हो गया चेंज, है ना। अभी स्क्रीन पे आपके एक नया क्वेश्चन आ गया लाइक दिस, है ना। अब देखो ये नया क्वेश्चन आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है ये दिख रहा है आपको, अब मैं इसको आपको सॉल्यूशन बताऊंगा इसका कैसे करना है। तो अपना काफी ज्यादा टाइम बचता है। तो ये किस तरीके से इसको करते हैं, है ना, बहुत आसान तरीका है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको एक अलग तरीके से मैंने सिखाया था चीजें। ये ट्रिक है, अगर आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ बना हुआ है उस पीडीएफ के क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट बहुत आसान वे में कैसे दिखाना चाहते हो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो लेट नहीं करते हैं, जल्दी से चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट यार, चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ताकि ऐसे ही और भी प्यारे प्यारे अपडेट्स मैं आपको देता रहूं। चलिए कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे चाहिए, है ना। बाकी तो अब अगर आप एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसमें बैकग्राउंड व्हाइट दिख रहा है। मैं चाहता तो मैं चाहूंगा कि बस मेरा क्वेश्चन दिखे, ये बैकग्राउंड व्हाइट कलर ना दिखे, मेरा बोर्ड दिखे उसकी जगह पे। तो ये भी कैसे करेंगे ये भी मैं बताऊंगा, बट वीडियो तो शुरू किया जाए, है ना। चलिए देखो यार, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। सबसे पहले आप अपना, आपको चाहिए क्या होगा इसके लिए, आपको एक लैपटॉप चाहिए, एक वेबकैम चाहिए, है ना, और ओबीएस स्टूडियो सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में होना चाहिए। तो मैंने अपना ओबीएस स्टूडियो ओपन किया है। यहां पे देखो सीन टू, मैंने एक यहां प्लस पे क्लिक करके एक नया सीन क्रिएट किया। अब इस सीन के अंदर मुझे ये सारी चीजें रखनी है, ठीक है। तो इसके लिए जो भी सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपको यहां पे क्या रहेगा, आपको अपना वीडियो ऐड करना है। तो यहां पे प्लस पे क्लिक करना है, सबसे पहला काम आपको प्लस पे क्लिक करना है, वीडियो कैप्चर डिवाइस को ऐड करना है। तो मैंने वीडियो कैप्चर डिवाइस जैसे ऐड किया तो मेरा जो ये जो आपको दिख रहा है ये मैं दिखने लगा और मेरा पीछे का व्हाइट बोर्ड दिखने लग गया है, मैं और मेरा व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है। अच्छा, कुछ चीजें इसमें एक्स्ट्रा है तो उसको ध्यान मत देना, जितना मैं बोल रहा हूं उतने ही आप लोग ध्यान दो। तो ये मैं हूं और ये मेरा पीछे का व्हाइट बोर्ड ये दिखने लगा वीडियो कैप्चर ऑन करने से। इसके बाद आपको फिर से क्लिक करना है और करना है विंडो कैप्चर। विंडो कैप्चर पे आपको क्लिक करोगे तो जैसे आप विंडो कैप्चर ऐड होगा, है ना, विंडो कैप्चर ऑन, यहां पे ऑप्शन आएगा कौन सा विंडो, तो आप अपना पीडीएफ एक विंडो में ओपन करो। तो ये देखो, ये मैंने एक पीडीएफ ओपन कर रखा है, है ना, इसमें क्वेश्चन और आंसर दिया तो मैंने एक पीडीएफ ओपन कर रखा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पीडीएफ को मैं यहां पे क्लिक करके इस पीडीएफ को सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा। तो अब मेरा ये पीडीएफ यहां पे पूरी की पूरी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। मैं आपको करके दिखाता हूं पूरा, है ना। आपकी जो पीडीएफ है इसको मैं काम करता हूं, पहले डिलीट ही कर देता हूं, है ना, दोबारा से ऐड करके दिखाता हूं। ये मैं प्लस पे क्लिक किया, विंडो पे गया और ये विंडो जो है मैंने ऐड किया और ये देखो ये पीडीएफ आ गया, है ना। अब देखोगे, देखोगे अगर आप इस पीडीएफ को अगर ध्यान से देखोगे तो ये तो पूरी पीडीएफ का पूरी डिटेल आ रहा है। तो मैं इसको क्रॉप करूंगा, मैं एक क्वेश्चन का जो पार्ट है ना उसके अकॉर्डिंग क्रॉप करूंगा। तो आपको अपने लैपटॉप का ऑल्ट बटन प्रेस करके इसको नीचे से आप थोड़ा पतला कर दो इस तरीके से, है ना, ऊपर से भी आप थोड़ा पतला कर दो लाइक दिस, साइड से थोड़ा इस तरफ से और थोड़ा इस तरफ से, इस तरीके से पतला कर लो। पतला करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लेना है, है ना। आप अपने बोर्ड के टॉप पे, आप इस तरीके से बोर्ड के टॉप पे आप सेट कर लीजिए। बोर्ड के टॉप पे मैंने सेट कर लिया है, ठीक है। अब देखो इस तरीके से, है ना, अभी हमारा इसका देखते, ये रहा क्वेश्चन, है ना, ये रहा क्वेश्चन हमारा। अभी क्वेश्चन कैसे शो करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन के लिए आपको एक अंदाजा लगा लेना होगा, लाइक अभी क्वेश्चन शो कर रहा है तो ये जो मेरा एरो है, है ना, जो पीडीएफ का जो मेरा एरो है, इस एरो के जस्ट आपको पास में लाओगे तो आपका क्वेश्चन यहां पे शो करेगा। तो ये देखो अभी मेरा ये क्वेश्चन शो कर रहा है, है ना, अभी अभी मेरा ये देखो ये क्वेश्चन आ गया है। अब जैसे जैसे मैं यहां पीडीएफ को स्लाइड करूंगा, देखो अगला, वापस से अगला क्वेश्चन लाता हूं, ये देखो ये मैंने ले आया अगला क्वेश्चन, इसको सेलेक्ट कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब अगला क्वेश्चन आपको यहां पे दिखने लगेगा, थोड़ा ऊपर चला गया तो अगेन स्क्रॉल डाउन करके मैं थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूँ लाइक दिस। अभी देखिए, अभी हमारा ये क्वेश्चन
आ गया है ना। तो जैसे जैसे मैं यहां पे करूंगा पीडीएफ को स्लाइड करता जाऊंगा, वैसे वैसे ये क्वेश्चंस यहां पे आते चलेंगे और मैं यहां पे अपना बाकी जो मुझे सॉल्व करना है मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, बस यही दो काम आपको ऐड, दो चीज ऐड करना है। क्या क्या चीजें ऐड करनी है? एक आपको ऐड करना है वीडियो कैप्चर डिवाइस और दूसरा डिस्प्ले कैप्चर। बस ये दो चीज से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका, देखो इस बार जो क्वेश्चन चल रहे हैं, जो क्वेश्चंस चल रहे हैं उनका देखो, अगर आप बैकग्राउंड देखोगे, देखो क्वेश्चन का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर का है। मैं चाहता हूं क्वेश्चंस लिखा हुआ दिखे, बैकग्राउंड व्हाइट हट जाए, तो आपको फिर ये आप अपने पीडीएफ की चीजों को कॉपी करोगे, है ना, पीडीएफ की चीजों क्वेश्चंस को कॉपी करके एक नया वर्ड बनाओगे, उसका बैकग्राउंड को ग्रीन करोगे, फिर उस पर ब्लैक कलर से या रेड कलर से लिखोगे, कितना तामझाम है। मेरे पास एक और छोटा सा ट्रिक है, वो ट्रिक है कि मैं इस पीडीएफ का, ये जो मैंने पीडीएफ मेरे पास है, इस पीडीएफ का ही अगर मैं पीछे व्हाइट को अगर ग्रीन कर दूं तो मैं क्रोमा की यूज करके इसका कर सकता हूं। जो मेरा पीडीएफ है ना, फॉर एग्जांपल ये जो मेरा पीडीएफ है, ये जो मेरा पीडीएफ, अगर इस पीडीएफ का जो बैकग्राउंड व्हाइट कलर का है, अगर इस पीडीएफ के बैकग्राउंड को मैं ग्रीन कर दूं और फिर क्रोमा की यूज करूंगा तो मेरे सारे क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हुए दिख जाएंगे। तो ये चीज कैसे करना है मैं आपके लिए एक स्पेशल नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, कैसे आप अपने पीडीएफ के जो बैकग्राउंड है उसके कलर और आप जो टेक्स्ट का कलर जो ब्लैक है उसको कोई और कलर कैसे चेंज कर सकते हो बहुत ही सिंपल वे से, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं कि किस तरीके से वो काम करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरा पूरा का पूरा पीडीएफ जो है उसका पूरा व्हाइट जो बैकग्राउंड था वो सारा का सारा ग्रीन हो गया, सारा का सारा ग्रीन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब जो मैंने यहां पे लगा रखा था, यहां पे जो मैंने ये लगा रखा था डिस्प्ले कैप्चर, है ना, जो अब देखो ग्रीन ग्रीन हो गया। अब इसी डिस्प्ले कैप्चर पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, फिल्टर पे जाऊंगा और यहां पे क्या करूंगा, मैं क्रोमा की लगा दूंगा। यहां पे मैं यहां प्लस पे क्लिक करके यहां पे मैं लगा देता हूं क्रोमा की, नॉट दिस, क्रोमा की। अब क्रोमा की क्या करेगा, ग्रीन बैकग्राउंड जो है उसको हटा देगा, है ना, विंडो कैप्चर का ना ये हटा नहीं, विंडो कैप्चर पे मैंने क्लिक किया, अच्छा सॉरी गलत जगह लगा दिया था, विंडो कैप्चर पे राइट क्लिक, यहाँ पे करना है क्या मुझे पहले, अच्छा इसमें जो लगाया था फिल्टर उसको हटा दो, नहीं तो पता चला मेरा वीडियो की मेहनत खराब ना हो जाए, डिलीट, है ना। चलो तो विंडो कैप्चर जो था, विंडो कैप्चर में जो ये मैंने लिया था क्वेश्चंस को, इस पे राइट क्लिक करता हूँ फिल्टर पे और यहाँ पे मैं लगाऊंगा क्रोमा की। ठीक है, ये मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, लगा देता हूँ क्रोमा की और ये कर देता हूँ ओके, है ना, ओके। अब देखो, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं बट क्रोमा की सेटिंग थोड़ी अच्छे से करनी होगी ताकि क्वेश्चन अच्छे से दिखे। ओके, ये जो ग्रीन कलर जो मैंने लिया है ना, ये कुछ ज्यादा ही डार्क ग्रीन है, मुझे ये ग्रीन कलर को चेंज करके जो नॉर्मल पर्दे वाली ग्रीन होती है ना वो लाना है, पैरेट पैरेट कलर नहीं, थोड़ा डार्क ग्रीन, है ना, मैं उसको लाऊंगा यहाँ पे। ओके गाइस, तो मैंने कुछ चेंजेस किया है इसमें, लाइक मैंने अपने बैकग्राउंड ग्रीन किया है, जो पीडीएफ था उसका बैकग्राउंड को मैंने ग्रीन किया है और जो टेक्स्ट लिखा था ब्लैक कलर से जो टेक्स्ट लिखा था उसको मैंने थोड़ा सा येलो कलर का किया है, है ना, आप रेड कलर या कोई भी ऐसा कर, ये कैसे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये चीज किस तरीके से ये चीज किया जाता है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि अभी मैं अपना अगर स्क्रीन देखूं तो आप देख सकते हो, है ना, अगर मैं स्क्रीन देखूं तो आप देख सकते हो यहाँ बड़े आराम से, यहाँ पे आप देखो, अब मेरा क्वेश्चन जो है वो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, थोड़ा मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ लाइक दिस, अब देखो अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ट्रांसपेरेंट मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्रोमा की हमने लगाया ग्रीन कलर करके, पीछे में क्रोमा की लगाया तो इससे हमारा ये ट्रांसपेरेंट हो गया। ओके, तो इस तरीके से आपको इसकी सेटिंग करनी रहेगी और इस तरीके से आप अपने पीडीएफ को बड़ी आसानी से अपने व्हाइट बोर्ड पे शो अप कर सकते हो। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।